महाराष्ट्र के 147 कृषि उत्पन्न बाजार समितियों के रिजल्ट सामने आ गए हैं। इस पीएमसी के चुनाव परिणाम के मुताबिक बीजेपी महाराष्ट्र की नंबर वन पार्टी बनकर उभरी है। दूसरे नंबर पर एनसीपी को सीटें मिली है। लेकिन अब इस तस्वीर को थोड़ा एंगल बदल कर देखें तो महाविकास अघाड़ी की टोटल सीटें बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के गठबंधन की सीटों से बहुत ज्यादा है। यानी एमवीए अगर 2024 तक एक बनी रह जाती है और बीजेपी नए पार्टनर्स नहीं ढूंढ पाती तो बीजेपी के लिए बहुत कठिन है डगर लोकसभा और विधानसभा की। यह बात अच्छी तरह से बीजेपी को भी पता है। तभी महाराष्ट्र में लगातार शरद पवार और अजीत पवार को साधने की कोशिशें शुरू है। अब तक बीजेपी को 40, एनसीपी को 38, कांग्रेस को 31, ठाकरे गुट को 11 और एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 8 सीटों पर जीत मिली है। अन्य के खाते में 17 सीटें आई है। अब अगर गठबंधन की बात करें तो महाविकास अघाड़ी की कुल सीटें 81 और बीजेपी शिवसेना गठबंधन को 48 सीटें मिली है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बाउनकुले ने कहा कि चुनाव परिणाम ने यह साफ कर दिया है कि एनसीपी और कांग्रेस के बीच मतभेद कितने गहरे हैं। कई जगहों पर एनसीपी ने कांग्रेस को हराने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि यह भी साफ हो गया है कि देश भर में बीजेपी के खिलाफ किस तरह लोगों में नाराजगी है। जाहिर सी बात है कि नाना पटोले महाविकास अघाड़ी की कुल सीटों की बात कर रहे थे। कांग्रेस तो तीसरे नंबर पर है। एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने बयान दिया कि महाविकास अघाड़ी का किला अभेद्य है और यह साबित हो गया है। अजीत पवार ने इस जीत के लिए गांव, गरीब और किसानों को धन्यवाद भी दिया। दरअसल एपीएमसी का चुनाव इसलिए अहम होता है क्योंकि इससे यह बात पता चल जाती है कि गांवों में और किसानों के बीच किस पार्टी की कितनी पकड़ है। बाजार समितियां किसानों के नब्ज पर कंट्रोल रखती है, किसानों की धड़कनें समझी जाती है। ऐसे में यह चुनाव परिणाम एक तरह से महाराष्ट्र के गांवों में वोटरों के आज के मिजाज को दर्शा रहा है। यह कोई बात नई नहीं है कि महाराष्ट्र की जनता में एक बड़ी तादाद ऐसी है जो यह मान रही है कि ठाकरे गुट को भी शरद पवार की एनसीपी ही चला रही है। ठाकरे गुट को 10 सीटें मिली है जो यह दर्शाने के लिए काफी है कि ठाकरे गुट की पहुंच गांवों में कितनी है। यह सीटें भी महाविकास अघाड़ी में रहने का कृपा प्रसाद माना जाए तो गलत नहीं होगा। वैसे संजय राउत का यह बयान भी समझा जाता है कि ठाकरे गुट तो कभी एपीएमसी का चुनाव लड़ता ही नहीं था। ऐसे में जो मिला है वो खोया नहीं बल्कि पाया है। रही बात एनसीपी और कांग्रेस के इक्वेशन की तो यह बात किसी से नहीं छुपी कि दिल्ली क्या तख्त बीजेपी से छीनने की कोशिशों में कांग्रेस राज्यों में बाकी दलों के लिए सब कुछ कुर्बान करती हुई आई है। इससे वो कई राज्यों की राजनीति में अपना असर खोती चली गई। महाराष्ट्र में एनसीपी ने कांग्रेस को काफी हद तक किनारे लगा दिया, जबकि महाविकास अघाड़ी से पहले के कांग्रेस एनसीपी गठबंधन वाले दौर में 2004 का चुनाव भुला दे तो कांग्रेस हमेशा ही एनसीपी के आगे रहा करती थी। हमेशा मुख्यमंत्री कांग्रेस का ही हुआ करता था और एनसीपी छोटे भाई की हैसियत में रहा करती थी। लेकिन आज अजीत पवार की हैसियत पृथ्वीराज चौहान, अशोक चौहान, नाना पटोले, बालासाहेब थोरात से ज्यादा है, क्योंकि भले ही महाविकास अघाड़ी सरकार में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे थे लेकिन तभी जुबान में लोग यही कहा करते थे कि सरकार तो अजीत पवार चला रहे हैं। बात में तथ्य भी इसलिए नजर आता है क्योंकि 2.5 सालों के कार्यकाल में उद्धव ठाकरे 2.5 दिन के लिए भी मंत्रालय नहीं आए, फिर भी उद्धव ठाकरे से पूछताछ और बातचीत कर ली जाती थी। कांग्रेस तो बस हां में मुंडी हिलाने के लिए ही थी। अब तो नाना पटोले ने ना जाने कब से एकला चलोरे का बयान नहीं दिया है। पहले वे जब कांग्रेस को ज्यादा नजरअंदाज किया जाता हुआ देखते थे तो धमकी के तौर पर ही सही यह जुमला उछाल दिया करते थे कि कांग्रेस अगला चुनाव अकेले लड़ेगी। कांग्रेस के लिए अजीब मुश्किल है। अगर वो महाविकास अघाड़ी से अलग हो जाए तो बीजेपी को हराना मुश्किल है। एमवीए में बनी रहे तो पार्टी का पतन रोकना मुश्किल है। कांग्रेस करे तो भी क्या करे। आज की तारीख में सबसे फायदे में एनसीपी है। हाल तक महाविकास अघाड़ी में एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की अलग अलग ताकत आंकी जाती थी।
तो उनकी कोई हैसियत नजर नहीं आती थी। लेकिन बाजार समितियों के इस चुनाव में एनसीपी भले ही बीजेपी के बाद दूसरे नंबर की पार्टी बनी है, लेकिन बीजेपी के बिल्कुल आसपास तक नहीं पहुंची है। यहां एनसीपी के बारे में यही कहा जा सकता है कि हार कर भी जीतने वालों को बाजीगर कहते हैं। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर, जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।